अभ्यागतों की विदाई। अब श्री रामचंद्र जी नियमपुर प्रतिदिन राज्यसभा में बैठकर राजकाज संभालकर शासन चलाने लगे। कुछ दिन पश्चात राजा जनक विदा होकर मिथिला के लिए प्रस्थान किया। इसके पश्चात कैकेय नरेश युधाजित, काशीराज प्रतर्दन तथा अन्य आगत राजा महाराजा भी विनय पूर्वक अयोध्या से विदा हुए। फिर उन्होंने सुग्रीव, हनुमान, आंगद, नील, नल, केसरी, कुमुद, गंधमादन, सुषेण, पनस, वीरमेंद्र, द्विविद, जाम्बवंत, गवाक्ष, विनद, धूम्र, बलिमुख, प्रजंड, सन्नाद, दरिमुख, दधिमुख, इंद्रजानु तथा अन्य वानर युगपतियों को नाना प्रकार के वस्त्राभूषण रत्नादि देकर सम्मानित किया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके उन्हें विदा किया। फिर वे विभीषण को विदा करते हुए उनसे बोले, राक्षसराज, तुम धर्मपूर्वक लंका पर शासन करना। तुम धर्मात्मा हो, मुझे विश्वास है कि तुम कभी धर्म विरुद्ध कोई कार्य नहीं करोगे। अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करना। विदा होने से पहले हनुमान बोले, प्रभो, मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके प्रति मेरी अटूट भक्ति सदा बनी रहे, आपके सिवा कहीं और मेरा आंतरिक अनुराग न हो। इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे, तब तक मेरे प्राण इस शरीर में ही बसे रहे। हनुमान की बात सुनकर श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और बोले, ऐसा ही होगा। संसार में जब तक मेरी कथा प्रचलित रहेगी, तब तक तुम्हारे प्राण भी तुम्हारे शरीर में बने रहेंगे। तुमने जो उपकार किए हैं, उनके लिए मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। फिर वे सब लोग श्री राम का गुणगान करते हुए वहां से विदा हुए। विभीषण, सुग्रीव, हनुमान आदि के विदा हो जाने पर भरत बोले, राघव, आपको राज सिंहासन पर बैठे एक मास हुआ है। इस अवधि में सभी लोग स्वस्थ और निरोग दिखाई देते हैं। बूढ़े आदमियों के पास भी मृत्यु फटकने में हिचकती है। सभी बाल युवा नर नारियों के शरीर हृष्ट पुष्ट और कांति में प्रतीत होते हैं। नेक समय पर अमृत के समान जल बरसाते हैं। हवा ऐसी चलती है कि उसका स्पर्श सुखद और शीतल जान पड़ता है। भरत की ये बातें सुनकर श्रीराम अत्यंत प्रसन्न हुए।